I'm Mohit Anand and this is my mother. We have come from Bareilly. Mother ko dekhne mein thoda sa haziness pichle 4 mahine se lag raha tha. When she consulted the local doctor, unhone cataract ka operation bataya. We've done our research over the internet and we found that Dr. Rahil Chaudhary and I7 has the most technologically advanced facilities to carry out this operation. So while I was doing my homework, we consulted the local doctor there in Bareilly and he was very convinced ki jo Dr. Rahil Chaudhary femtolaser kar rahe hain with AI technology is by far the most advanced systems that are available in the country. Hum log jab pichle saptah Delhi aaye to there was a series of pre-op checkups jo I7 mein hue. After that, when we met Dr. Rahil Chaudhary, he was very convincing in saying ki mama ka cataract ka operation hai aur hona hai. She has approximately 80% cataract in her right eye. Cataract ek aging process hai and that is what Dr. Chaudhary has explained to us ki jeevan mein har ek ko shayad ek bar cataract zarur hota hai and people must undergo this surgery. Aaj tak inki koi surgery to hua nahi hai, to this is the first chance that she's going through a surgical process. She's otherwise mentally hale and hearty and she's looking forward because she's in the best hands in the country. जैसे ही इस हॉस्पिटल में आए, इसमें इतनी वाइब्स अच्छी थी कि हमको फौरन ही ये मन हुआ कि हम इसको करवा लें. और हम जैसे ही राहिल चौधरी से मिले तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से कन्विंस किया. बाकी सारे जो गैजेट्स थे वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं कि हमको कोई परेशानी ही नहीं थी कि हमको ये सोचने का टाइम मिले कि हम ऑपरेशन ना करा. और ना करते हुए भी हमने फौरन ही हाँ कर दी और नाउ वी आर इन सेफ हैंड्स. राहिल चौधरी ही मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं. उनसे कोई ज़्यादा मेरे को डर भी नहीं लग रहा और ना ही कोई एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है. बस ये लग रहा है कि जो भी होगा बिल्कुल सही हो. कैसे मैम, ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना? नहीं कोई. ठीक है, एक बार चश्मा हटा दीजिए, एक बार नीचे की तरफ देखिए, ऊपर देखिए. रीड करना मैं बोलूँ. परिया अभी वी एफ गुड जेड यू एफ वेरी गुड अभी टी जेड डी एच एफ वी पी Z H U perfect abhi E T F C V D P very clear abhi to aur better hoga vision acha ha hello chitra ma'am very good things look very nice on the first day itself yeah and abhi ha, please speak I am so happy and abhi na ma'am it is still the first day yeah to abhi it is about 90% clear okay and the rest 10% would further clear out in 5 to 6 days चेक करें. टेक ऑफ योर ग्लासेस वंस. वेरी नाइस. ठीक है मैम, यू स्टार्टेड विद ऑल योर मेडिसिंस. या परफेक्ट है. सो बस उसको डालते रहेंगे. एंड व्हेन कैन वी सी यू नेक्स्ट? 15 दिन में मिल लेते हैं. यू आर फ्रॉम बरेली. हां, कल ही कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो. उससे ना क्या होगा मैम, बोथ आईज वुड बी बैलेंस्ड. तो उसके बाद 10 दिन बाद आई विल जस्ट गिव यू रीडिंग ग्लासेस एंड नथिंग एल्स. ठीक है, कल सर मैं करता हूँ, मैं लिख देता हूँ. अब थोड़ा सा सोच लीजिए. नहीं, क्यों सोचेंगे? अच्छा, इफ यू नो व्हाट यू वांटेड टू से. हां हां, आई डोंट नीड अ विटनेस, आई डोंट नीड अ एन अटेंडेंट, मैं खुद जाके करूंगा. ठीक है, दैट्स अ गुड. मैंने जब से आपको देखा वहाँ पर. हाँ, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डू द लेफ्ट टुमारो सर, एंड देन वी टेक अ 1 week ब्रेक. थोड़ा सा दोनों आंख का स्वेलिंग वगैरह सेटल हो जाएगा. देन वी सी यू आफ्टर 1 week एंड आई विल गिव यू रीडिंग क्लासेस. यस, दैट बी ऑल. फिर उसके बाद हम एक बार ही हम चाहते हैं 2-3 महीने में एक बार घूमते फिरते एक बार दिखा दिया. वो बाय चांस नहीं भी यहाँ पे आ पा रहे तो यू कैन विजिट एनी लोकल डॉक्टर. नहीं नहीं, आई विल कम.
very nice. Thank you so much. All right, sir. Have a nice day. I'm so glad. I'm so glad. She's already become your pastor. हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि हमने पहले दिन एक आँख का ऑपरेशन करवाया और जैसे ही एक आँख का ऑपरेशन करवा करके आए तो इतना सेटिस्फाइड हुए कि विद इन 3 मिनट्स हमारा ऑपरेशन हो गया और हम बाहर आकर के दूसरे आँख के ऑपरेशन के लिए भी तैयार हो गए। हम उसके बाद चले गए थे और 1 महीने बाद आए हैं। बीच में हमको कोई भी परेशानी या कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब से हमारा ऑपरेशन हुआ हमारी आंखों में कोई भी पेन नहीं है और ना ही कोई पानी आ रहा है, ना कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है। थोड़ी सी इचिंग होती थी जो दवाई डालने के उससे सही हो जाती थी। डेली लाइफ में हमको देखने में बहुत दिक्कत हो रही थी लेकिन इस समय विजन इतना ज़्यादा क्लियर है कि हमको हर चीज़ बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रही है। आँखों की रोशनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हमने उस चीज़ को, डायमंड का काम करते हैं तो डायमंड के लेवल्स देखने में, डायमंड को देखने में हमें बहुत हेल्प हो रही है और बिल्कुल आसानी से सब चीज़ हम पढ़ रहे हैं। यहाँ के सब डॉक्टर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और बहुत जल्दी जल्दी सारा काम होता है और डॉक्टर राहिल तो बहुत ही मुस्कान वाले हैं और इतने स्माइली हैं कि उनको देख कर ही ऐसा लगता है कि जैसे कितना अच्छा उन्होंने काम किया है। सारा स्टाफ बहुत अच्छा है और मेरे को कोई भी चीज़ में कभी भी परेशानी नहीं हुई। एकदम से जैसे भी है सब काम सिस्टमेटिक होता चला जाता है। अपने उससे धन्यवाद दे रही हूँ और जितनी प्रसन्नता मुझे यहाँ हो रही है, मैंने लाइफ को अपने दोबारा से फिर से जीना शुरू कर दिया।